हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वेलकम टू नेहा शशि व्लॉग. और आप देख रहे हैं आज का हमारा नया व्लॉग. तो जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बोला था कि आज आप लोग का जो भी सवाल होगा उसका जवाब मैं दूंगी, तो जाहिर सी बात है मैं उसका जवाब दूंगी. ऐसे बाल के सवाल. तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए. बापरे, तो भागो एक मिनट. तो मम्मी ने मुझे ढूंढ दिया है, वो भी कुकर के ढक्कन से. अभी भी मम्मी पीछे पीछे आ रही है. मम्मी, अच्छा ठीक है. तो मम्मी मुझे ढूंढ दी है, मैं वो धुना हुआ वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ. यू नो प्रेस्टीज का बात आ जाता है, तो प्रेस्टीज मैं अपने प्रेस्टीज ऐसे बना कर रखती हूँ. तो जैसा आप देख रहे हैं वो शहर बिल्कुल आतंकवादियों का क्यों. तो वो शायरी कौन सा था मम्मी? हाँ, तो एक शायरी अर्ज किया है, मुझे मम्मी से ढूंढना नहीं है, मुझे नहीं, क्या था, मुझे ढूंढना और ढूंढवाना नहीं है, मुझे सुनना और सुनवाना है, और जिंदगी भर मुझे व्लॉगिंग करना है और करवाना है. वाह 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 वाह. तो ये शायरी मेरा आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह का बकवास शायरी करते रहूं और आपको एंटरटेन करते रहूं. एंटरटेन होता है हनी. ओ हनी को खुद ही नहीं पता क्या होता है, उसको सिर्फ यही पता है कि पता नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता है. तो ठीक है, अब क्या ही किया जा सकता है. आपको, आप लोग तो बैठे हैं कि कब आपके सवालों का जवाब मिले, और मैं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दूंगी. एंड तक हमारे चैनल पे बने रहिए, और इसी तरह हमारे नेहा शशि व्लॉग्स को आप देखते रहिए. ला ला ला. सो हे गाइस, सो हे गाइस, भैया का रूम आप देख रहे हैं बिल्कुल कचड़ा कबाड़ी वाला लग रहा है. अरे मेरा एक्सटेंशन बोर्ड क्या हो गया है? वहाँ है. सो फॉलो. सो है गुड आफ्टरनून एवरीवन. और आज हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं QA सेशन, जहाँ पे मैंने आप लोग को कल के व्लॉग में बोला था कि आप लोग मुझे भर भर के कमेंट कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी आप लोग को मेरे बारे में जानना है. तो मैंने कुछ कमेंट्स को सिलेक्ट किया है, उन लोग के कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी, और जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है सबको मैं आज क्लियर करूंगी. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन है शिवम मिश्रा, उन्होंने अपना नाम भी मेंशन किया है, और उन्होंने एक सनकियो गेमिंग करके, बट उन्होंने लास्ट में अपना नाम मेंशन किया है शिवम मिश्रा. तो उनका मेरे से धड़ाधड़ चार सवाल है. दीदी आप अपना लाइफस्टाइल बताइए प्लीज. तो मेरा लाइफस्टाइल क्या है? तुम खुद ही बताओ. यही बस, खाओ पियो, घर का काम, थोड़ा गपशप, और खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, यही मेरा लाइफस्टाइल है और बाकी कुछ खास नहीं. दूसरा उनका सवाल है आप कहाँ तक पढ़ाई की है? तो पढ़ाई मैंने MBA किया है, ग्रेजुएशन स्कूलिंग मेरा 12th, ग्रेजुएशन और MBA, मतलब स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरा धनबाद से ही हुआ है, और MBA मेरा वेस्ट बंगाल से हुआ है, हल्दिया से. तो मैंने MBA तक पढ़ाई किया, मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन HR से मैंने किया है. और तीसरा सवाल है उनका, आपका फेवरेट डिश क्या है? तो मेरा फेवरेट डिश मोमोज इतना हमको है ना, मोमोज इतना पसंद है कि मम्मी का भी अगर प्लेट मोमोज रहे ना तो हम उनका भी छीन के खा जाए, मतलब मोमोज हमको कुछ ज़्यादा ही पसंद है. चौथा सवाल है उनका, आपका शादी कहाँ से हुआ था, गांव या धनबाद से? तो ये मम्मी ही जवाब देंगी. मम्मी बताइए. गांव से हुआ है. वो भी रीजन था? हाँ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था ना, ऐसे हम लोग होटल बुक किए थे आरा में, लेकिन हुआ क्या कि लॉकडाउन को होटल सारा बंद कर दिया गया, तो इसलिए अपने गांव से किए जाके. तो जवाब आपको मिल गया, गांव का नाम है गंगहर. तो जवाब आप लोग को मिल गया. तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे.
नेहा चौहान ने सवाल किया है, नेहा चौहान से, दी आप इतनी क्यूट कैसी हैं? तो एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि मैं रोज सुबह शाम उसको थप्पड़ मारती हूँ तो इसीलिए तो मम्मी थप्पड़ मार मार के मुझे क्यूट बना दी है। वैसे जोक्स अपार्ट, मम्मी इतनी क्यूट है तो बेटी तो क्यूट होगी ही, तो आप समझ ही सकते हैं इसमें आपको जवाब मिल गया है। तो नेहा चौहान, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, और ये खुद भी नेहा चौहान है। तो चलिए हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। हाँ दी, आप आकाशा धूपर ने सवाल किया है, दी आप शादी के बाद जॉब क्यों नहीं कर रही हैं? तो एक्चुअली यहाँ धनबाद में, मतलब शादी से पहले बैंक में जॉब करते थे, तो हाँ धनबाद में बैंक में जॉब था मेरा, ट्रांसफर नहीं दे रहा तो था। ट्रांसफर मेरा हुआ नहीं पटना में, तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि जॉब छोड़ दे, क्योंकि इतना भी मेरे लिए जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब जॉब को मैं पहला प्रायोरिटी देती हूँ, तो ऐसा नहीं है, जॉब तो होते रहेगा, आते जाते रहेगा। तो फिर जब पटना हम गए तो वहाँ पे ट्राई व्राई तो ऐसा भी किया नहीं मैंने कहीं पर, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हुआ शादी का, अभी मेरा टाइम भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि पहले ससुराल में सबसे बॉन्डिंग बना ले, समझ ले, क्योंकि फिर तो जॉब का क्या, वो तो करना ही है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए अभी मैंने जॉब को थोड़ा डिले छोड़ा हुआ है, मुझे पहले अभी ससुराल में थोड़ा रहना है, वहाँ का सीखना है, वहाँ के तौर तरीके मुझे सीखने हैं, तो यही रीज़न है कि मैं अभी जॉब पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। बाकी मुझे देख ही रहे कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हूँ, तो मेरा अभी फिलहाल सोशल मीडिया वाला चल रहा है, अभी जॉब को लेकर मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ। तो ये माधुरी वर्मा ने क्वेश्चन किया है, आपकी इन-लॉज आपकी यूट्यूब चैनल से खुश हैं या ना, क्वेश्चन मार्क, आप अपनी इन-लॉज को भी व्लॉग में लाइएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल मैंने भी बनाया है और इतना मैं आराम से व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स अलाउ किए हैं, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट कर रही है, ससुराल वाले मेरे सपोर्ट, वो लोग कुछ ज़्यादा ही मुझे सपोर्ट करते हैं, खासकर मेरे हस्बैंड, वो तो कुछ ज़्यादा ही मुझे कहते हैं कि नहीं तुम्हें जैसे सही लग रहा है तुम वैसे करो, क्योंकि उनको मेरे पर ट्रस्ट भी है कि मैं कुछ गलत तो करूँगी नहीं। तो रहा बात इन लॉज का, तो वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है तुम जो भी कर रही हो सही करो, ऐसे तुम आगे बढ़ते रहो, तो उनका पूरा सपोर्ट है। और फैमिली का तो आप मुझे यहाँ देख ही रहे हैं कि मम्मी पापा का शुरू से ही सपोर्ट है, तो उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे इन लॉज मुझे पूरा जोरों शोरों से सपोर्ट करते हैं। और आप अपने इन लॉज को भी व्लॉग में लाइएगा, तो बिल्कुल लाएंगे, अभी तो आप देख रहे हैं कि मायके में है तो अभी तो पॉसिबल है नहीं, तो जब ससुराल चले जाएंगे तो वहाँ का फिर व्लॉग्स आएगा, आपको देखने को मिलेगा कि मेरे ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ का तो और अच्छा छाएगा, वहाँ पे तो आप बहुत बड़ा परिवार है ना, वहाँ पे आप काफी एंजॉय करेंगे मेरा व्लॉग देखकर, तो वहाँ जब जाएंगे तो फिर मेरे ससुराल वाले आएंगे व्लॉग्स। आराध्या यदुवंशी का क्वेश्चन है, दी आप और सनी भैया ट्विंस हैं क्या, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वाराणसी। तो इतना प्यार के लिए थैंक यू आराध्या, और जैसे आपको लगता है कि मैं और भैया ट्विंस हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ट्विंस नहीं है, हम लोग का डेट ऑफ बर्थ ईयर सब डिफरेंट है, तो हम लोग ट्विंस नहीं है, ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग का जो दांत है वो बिल्कुल सेम है, हम लोग का स्माइल करने का तरीका, तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं, बट हम लोग ट्विंस नहीं है। मोहित बौरी का ये क्वेश्चन है, दी आपके पति का नाम क्या है। तो पता नहीं क्यों मेरे से आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इंस्टा आईडी मिसेज नेहा शशिकांत सिंह है और मेरे व्लॉग पे भी नाम है नेहा शशि व्लॉग्स, तो जाहिर सी बात है पति का नाम तो उसी में, फिर मैं आपको बता देती हूँ, उनका नाम है शशिकांत सिंह, तो मेरे हस्बैंड का यही नाम है। मोहित बौरी का ये क्वेश्चन था। आरव गिरी का क्वेश्चन है, दी आपके मम्मी पापा कैसे हैं और आप लोग भी कैसे हैं, और शादी का कितना इयर्स हो गया है दी। तो मम्मी पापा कैसे हैं आप देख ही सकते हैं, मम्मी यहाँ है और तो मम्मी आपको दिख रही है यहाँ पे, मम्मी काफी मस्त है और क्यूट है और अपना बबली फेस लेकर बैठी है, और पापा भी बिल्कुल एकदम मस्त बबला फेस और पापा बबला फेस लेकर बैठे हैं, तो बबली और बबला दोनों सही है। तो और आपका ये सवाल है कि शादी का कितना इयर्स हो गया है, तो हमारी शादी 24 मई को हुई थी, तो अभी कितना
अभी 1 ईयर पूरा है, पूरा भी नहीं हुआ है, 24 मई को 1 ईयर पूरा हो जाएगा। 2021 में 24 तारीख को तुम्हारी शादी हुआ है। पूजा सिंह का ये सवाल है, दी आपके ससुराल में कितने लोग हैं, आप ज्वाइंट फैमिली हो क्या? तो हमारा फैमिली काफी बड़ा है, मतलब हम एक ही बिल्डिंग में ऐसे फ्लोर वाइज सब रहते हैं। तो हमारे फैमिली में वहाँ पे 40 मेंबर्स रहते हैं, 40 एक ही बिल्डिंग, मतलब अपार्टमेंट टाइप का है हमारा, और सब लोग अलग अलग अपने फ्लैट में रहते हैं। और हाँ, हमारा जॉइंट फैमिली है, अभी भी हम लोग सब लोग कोई भी फंक्शन होता है साथ में इंजॉय करते हैं, मतलब हम लोग साथ में सब चीज़ होता है, बस रहते हैं सब फ्लैट वाइज अपना अपना। तो हमारे ससुराल में 40 मेंबर्स रहते हैं और हमारा बिल्कुल जॉइंट फैमिली है। जैसे कि बहुत लोग का सवाल है कि दीदी आप, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हस्बैंड मेरे क्या करते हैं, आपकी शादी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? तो मुझे लगता है ये जो भी सवाल है आपके, ये मैं अकेले नहीं दूंगी, है ना, जब शशि आ जाएंगे, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो हम लोग साथ में बैठ के देंगे, तो काफी अच्छा लगेगा। इसके लिए ब्लॉग देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू रहना पड़ेगा, मम्मी भी कह चुकी है। तो घंटी को बजा देना होगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तो घंटी बजाते रहिए और हमारे साथ हमारे व्लॉग पे ऐसी बने रहिए। तो हर फ्राइडे को हम लोग QA सेशन करेंगे और ऐसे ही आप अपना सवाल भेजते रहिए, और वैसे ही हम बोलते रहेंगे बीच में इसमें चैट। तो हम हर फ्राइडे को आते रहेंगे और आपके QA सेशन हम करते रहेंगे। तो ऐसे अपने सवाल भेजते रहिए और हम आपको रिप्लाई देते रहेंगे। और शादी से रिलेटेड जो आपका जितना भी क्वेश्चंस है, तो 50K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम वो भी आपका क्लियर कर देंगे कि ये लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, हम लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, कैसे, मतलब जितना कुछ है हम आपको पार्ट बाई पार्ट आपको बताएंगे। और ऐसे हमारे ब्लॉग पे बने रहिए तब तक, है ना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और भर भर के प्यार दीजिए। और मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि हमारे व्लॉग को आप फैमिली के साथ बैठ के देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बिल्कुल रिलेटेबल वीडियोज़ होते हैं मेरे चैनल पे जो आप फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। टाटा बाय। Yes, my child. Yes, my child. खुश रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब का ममता है। और ये अपना ये ममता हमारे घर दे दीजिए। तो सो हे गाइस, आज का QA सेशन खत्म हुआ और मुझे आशा है कि आपको अपने सवालों का जवाब सही मिल गया होगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं मैं नहीं दूंगी, ऐसे ही हर वीक में हम लोग हर फ्राइडे QA सेशन करते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। और देखिए, मैंने जो अभी सेटअप रेडी किया था आपके QA सेशन के लिए, मुझे खुद उसको हटाना पड़ेगा, तो जो कबाड़ा मैंने फैलाया वो मैं खुद हटाऊंगी अभी। इसको देखिए, ये था सेटअप, और मम्मी अपने सेटअप से उठ नहीं रही, सोफे से टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल देख भी नहीं रहे, और अभी देख लिए मुस्की देख रहे हैं पापा का, मुझ पर रहता हूं मुस्की मुस्की मुझ पे मुझ पे, यानी मुस्की जब मारता नहीं सा था, मुझ ऐसे से हिलता फड़फड़ाता है ऐसे। यस पापा जी, तो फड़फड़ाता हुआ मुस्की दे दीजिए। अरे तो पापा का फड़फड़ाता हुआ मुस्की, मुस्की नहीं है ये, धड़धड़ाता मुस्की आया है, धड़धड़ाता मुस्की है ये पापा का। मम्मी को आप जैसे देख रहे हैं कि वो बोलते रहेंगी, वो नहीं चुप होंगी, क्योंकि वो एक स्त्री है और वो एक माता है, वो एक नारी है और वो सब कुछ है, तो वो बोलते रहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। भले धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। बाप रे। यस माय चाइल्ड। और यस माय बेटी। यस माय बेटी। और ड्रोगो से भी थोड़ा मिल लेते हैं, वो उधर के कर रहा है, क्योंकि उसको भी हमारे व्लॉग्स में आना था। गलो बोलो बाबू, गलो बने इधर, देखो कैमरा में देखो, गलो बोलो बाबू। खाना खाएगा? खाना नहीं मिला है गालू को? अरे मेरा गालू बालू, अरे मेरा गालू बालू। और अब हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और आप लोग मेरे रिप्लाई से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे पता है बहुत लोग नहीं होंगे, तो नेक्स्ट फ्राइडे मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगी और भी क्वेश्चंस को। तो इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और वही अपना सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय। अरे
मम्मी बाय। बाप रे, तो धूमधड़ाका के साथ बाय हुआ है। आप भी जाइए और धूमधड़ाका कीजिए और खुश रहिए। तब तक के लिए टाड़ा।